इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ध्यान से देखना जरूरी है इसको। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक पैरेलल प्लेट लिया था और मुझे इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना था, तो हम लोगों ने काफी इजी सा कॉन्सेप्ट उठाया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कितना होगा, तो बिकॉज ये तो पैरेलल प्लेट्स है और गॉस लॉ में हम लोग जानते हैं जब दो पैरेलल प्लेट्स है तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू डेल पी डेल्टा ऑफ वी पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नथिंग बट योर बी ए बी। तो बी ए बी को मैं ई इंटू डी भी लिख सकता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन को यूज करके, वेयर आपका जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल वी डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ एल। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यूज किया, तो यहाँ पे डेल वी हो जाएगा ई इंटू डी, दैट इज योर डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस, यहाँ पे डी रखा हूँ दोनों प्लेट्स के बीच में। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, तो मुझे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जो मिला इन वैक्यूम, बीच में वैक्यूम है, वो मुझे मिला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। सो दिस इज नथिंग बट योर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, राइट, विच इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्लेट का फाइंड किया, बीच में वैक्यूम है, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा वैक्यूम है, यहाँ पे मैं वैक्यूम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हम लोग एक और चीज देखेंगे विच इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक, लेकिन डाइलेक्ट्रिक अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग वैक्यूम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा वैक्यूम है, इसी को रहने देता, तो दिस वन इज नथिंग बट योर वैक्यूम। ओके, सो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी बनाया था जहाँ पे चार्ज हम लोगों ने फाइंड किया था, फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट्स नहीं आया होगा, अगर डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट, सो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके क्लास में उतना डिफिकल्ट नहीं बना। ओके, सो एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग बन जाए। तो मैं सर्च कर रहा था कुछ, राइट राइट सो दिस इज नथिंग बट अ सर्किट डायग्राम, यहाँ पे जो मैंने एक बनाया हूँ, और ये मेरा कैपेसिटर है, तो ये तो मैं सीरीज कनेक्शन आपको बनाने के लिए इसको बनाया था। एक काम करता हूँ मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और आपको एक सिंपल सा कैपेसिटर मैं यहाँ पे रखता हूँ। सो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया हूँ, तो अभी स्टॉप कर देता हूँ इसको। सो यहाँ पे मेरे पास एक वोल्टेज है, मोस्टली ये वोल्टेज मैं 5 वोल्ट का लिया हूँ, आपको कहाँ पे मालूम चलेगा, तो नीचे आपका यहाँ पे मालूम चलेगा सारा चीजें। तो यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट का है, तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड में कर लेंगे मोबाइल को तो काफी इजी में दिखाई देगा। और यहाँ मैंने एक कैपेसिटर लिया हूँ, ठीक है, दिस वन इज अ कैपेसिटर, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया हूँ, और ये मेरा एक रजिस्टर यूज किया हूँ ताकि मुझे चार्ज को यहाँ पे फ्लो करवाना है, तो रजिस्टर यूज करना पड़ता है। सो इसको तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी एक रजिस्टर यूज किया हूँ ताकि चार्ज फ्लो करे, ठीक है। सो पहले मैं इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जब कर रहा था रन करवाया था तो मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया था, तो अब इसको डिस्चार्ज करता हूँ। डिस्चार्ज करने के लिए मैंने इसको पोलरिटी वोल्टी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको रन करवाऊंगा, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, चलता हुआ जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, राइट, वो पीली सी होगी, तो काफी स्लो आपको दिखाई देगी बिकॉज हम लोग नेट का यूज कर रहे हैं। सो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, विच इज नथिंग बट द करेंट, ये मेरा करेंट है। ओके, सो ध्यान से अगर आप देखेंगे, फिर से मैं इसको करता हूँ तो आपको थोड़ा इजी होगा। इसको मैं फिर से स्टॉप करता हूँ और इसको फिर से मैं रन करवाता हूँ, तो देखिए शुरू में बहुत फास्ट होगा। ओके, फिर से स्वैप मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जा रहा है, उसको मुझे डिस्चार्ज करना जरूरी है, तभी वो फिर से करंट को फ्लो होने देगा, ऐसे नहीं होने देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुरू में बहुत फास्ट होती है, शुरू में काफी फास्ट होगी। अगर आपको मैं करंट का वैल्यू अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी करंट की वैल्यू जो है धीरे धीरे घट रही है। ओके, आई जो आपका है, नीचे कैपेसिटर से लिखा हुआ, नीचे आई लिखा हुआ है, वो करंट की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, जैसे और आपकी वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये जो वीडी आपका वहां पे यूज किया गया है, वीडी इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। ओके, सो अगर वो चार्ज हो जाएगा तो वहां पे आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो अगर आप वहां पे ध्यान से देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि करंट का वैल्यू आपका घट रहा है, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो मैं वोल्टेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये एक 5 वोल्ट का बैटरी है, दिस वन इज अ 5 वोल्ट का बैटरी, और जब आप कैपेसिटेंस के अक्रॉस देखेंगे तो करीबन 4.994 वोल्ट पहुंच चुका है, यानी जितना बैटरी का पोटेंशियल था उतना बैटरी उतना पोटेंशियल इसने यूज कर लिया है कैपेसिटर, और उतना अपने आप को चार्ज कर लिया है।
लेकिन अगर आप करंट का वैल्यू अगर आप वहां पर देखें तो करंट का वैल्यू धीरे धीरे आपका घट रहा है। वो क्यों घट रहा है? तो धीरे धीरे आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। सो एक बार कैपेसिटर जब आपका फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो फिर करंट के फ्लो को वहां पर रोक देता है, क्योंकि करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब आपके चार्ज फ्लो करे। जब कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज हो चुका है यानी वो अब ना तो किसी चार्ज को दूसरे प्लेट पे भेजेगा और ना ही वहां से किसी चार्ज को वो एक्सेप्ट करेगा। तो एक तरह से बैरियर का काम करता है जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो। ओके, सो फिर से मैं इसको दिखाता हूँ। मैं इसको स्वैप करता हूँ। स्वैप करने से मैंने इसका पोटेंशियल चेंज कर दिया। तो पोटेंशियल चेंज करने से ये हो जाता है कि कैपेसिटर अब आपका डिस्चार्ज होने लगता है। जो पहले पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाता है, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा करंट मिलेगा। अगर आप देखें तो वोल्टेज आपका धीरे धीरे करंट जो है आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा। वोल्टेज 5 वोल्ट तक पहुँच चुका है, सही ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कुछ इस तरह से वो चार्ज होता है। और ये जो पीली वाली लाइन है वो पीली वाली लाइन आपको करंट बता रही है कि करंट आपका कैसे फ्लो करता है। तो करंट मोस्टली पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सही ना, तो इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा। ओके, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, और धीरे धीरे आपका जो कैपेसिटर है प्लेट वो चार्ज होने लगता है, राइट? तो इस तरह से मेरा कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता है। आगे भी देखेंगे, एक दो बार और इसको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, सो ग्राफिकल क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक ग्राफ है। सो कैपेसिटर्स काफी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। आप भी घर पे कैपेसिटर बना सकते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उस पर विश्वास मत कीजिएगा। जब तक आप घर पे जाकर इसको नहीं करेंगे आप नहीं होगा। तो आप 9 वोल्ट का बैटरी ले सकते हैं। सॉकेट का यूज मत कर लीजिएगा। सॉकेट डीसी नहीं होता, वो एसी होता है। और ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो डीसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप 9 वोल्ट का एक बैटरी उठा सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मेरे पास क्यू है। क्यू आर दिस वन इज नथिंग बट योर वी। ओके, यहाँ पे मेरे पास दो कैपेसिटर्स है। दिस वन इज सी वन, दिस वन इज सी टू। कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन इज सी वन एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन इज सी टू। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहा होगा? सी वन इज ग्रेटर देन सी टू, सी वन इज इक्वल टू सी टू, सी वन इज लेस देन सी टू, फर्स्ट वन। नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आजकल इस तरह के भी ऑप्शन आते हैं, तो बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सही रहा होगा? सो यहाँ पे चार्ज वर्सेस पोटेंशियल के बीच में मुझे दो लाइन खींच के दे दिया और उसके बेसिस में मेरा पूछ लिया कि बताइए इसमें से किसका कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा रहा होगा, कौन सा मेरा सही है। कौन सा होगा? 1, 2, 3 या 4? सर फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट सी वन इज ग्रेटर देन सी टू। कैसे गौरी, किस बेसिस पे आपने बोला फर्स्ट वाली होगी? सर ऐसा लगा कि किसी ग्राफ से कि कम वोल्टेज पे ज्यादा चार्ज जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो उससे कैपेसिटेंस। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हाँ सही है, राइट ना? सो चार्जेस ज्यादा स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो होता है क्यू इज इक्वल टू होता है सी इंटू डेल्टा वी, राइट ना? या सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग ने देखा था क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी, राइट ना? सो अगर ये मेरा इक्वेशन है, सो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये वाई इंडिकेट कर रहा होगा, ये आपका एक्स इंडिकेट कर रहा होगा। तो ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? स्लोप। ये मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है? स्लोप। सो मैं बोल सकता हूं अंडर चार्ज एंड पोटेंशियल ग्राफ, अंडर चार्ज एंड पोटेंशियल ग्राफ स्लोप इज योर कैपेसिटेंस, स्लोप इज योर कैपेसिटेंस। और ये का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट ना? तो स्लोप जो होता है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर क्यू डेल्टा वी ग्राफ
स्लोप इज कैपेसिटेंस। राइट ना, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सो ऑटोमेटिक किसका स्लोप ज्यादा है, तो अगर इसका थीटा लिया तो थीटा टू है और ये आपका थीटा वन है, यानी स्लोप इज नथिंग बट योर टेंजेंशियल एंगल, और सी वन का टेंजेंशियल एंगल आपका ज्यादा है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। राइट, सी वन इज ग्रेटर देन सी टू। तो आजकल इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, राइट ना, तो इसका भी हमें ध्यान देना होगा, ओके, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैंने दिया, सो लेट अस कंसीडर एक और क्वेश्चन अगर मैं दूं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, मैं अगर आपको दो ही पॉइंट्स बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल वही दोनों पॉइंट्स को ही जानिए, आपका काम होता है कि आप उसके पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको जानिए। तो ये आप तभी करेंगे जब आप घर पे एक बार उसको पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर, फिर से मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया, दैट दिस वन इज योर वी एंड दिस वन इज योर क्यू, दिस इज सी वन, दिस इज सी टू, विच ऑप्शन इज करेक्ट? नॉट पॉसिबल टू फाइंड इन पी एफ। ये बड़ा स्मार्ट सा ऑप्शन होता है जब कुछ ना मिले तो एनपीएफ। ओके, इसमें क्या हो जाएगा सर? थर्ड, थर्ड सी वन सी टू इज ग्रेटर देन सी वन। तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा ऑफ वी। सो यहाँ पे वी आपका इंडिपेंडेंट टर्म है, डिपेंडेंट टर्म है, राइट? तो वी को मुझे एक तरफ लिखना होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाई सी। अब ये रेसिप्रोकल है, ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो मेरा स्लोप रहा होगा वो स्लोप रहा होगा आपका वन बाई सी, जिसका सी का वैल्यू ज्यादा उसका स्लोप कम, राइट, और जिसका सी का वैल्यू कम उसका स्लोप ज्यादा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका स्लोप मेरा कम है, यानी इसकी वैल्यू मेरी ज्यादा रही होगी, राइट ना, इसका मतलब है सी टू इज ग्रेटर देन सी वन। कोई डाउट्स? तो आजकल इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकल, वो किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, ओके, इसमें कोई डाउट्स? ओके, सो एक और क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलिए। ओके, ठीक है, तो एक और ट्विस्ट करने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। राइट, तो सेम ग्राफ तो नहीं दूंगा, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ यहाँ पर ग्राफ का। ओके, सो इस तरह से बिलो ग्राफ शोज़ द वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ चार्ज वर्सेस रिलेटेड भी चार्ज वर्सेस पोटेंशियल, ये भी मैं चार्ज वर्सेस पोटेंशियल ही दे रहा हूँ। ओके, सो चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ऑफ टू कैपेसिटर, सो फॉर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर्स C1 एंड C2, ये प्रीवियस ईयर आया था, देखिएगा इसको, प्रीवियस के पीयर प्रीवियस ईयर C1 एंड C2, द टू कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सब, द टू कैपेसिटर्स हैव, ध्यान से देखिएगा, सेम प्लेट एरिया, सेम प्लेट एरिया, बट यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, so not same plate area, same plate separation, let it be same plate separation, क्योंकि मुझे but the area of
the area of C2 is double than area of C1. Okay, but the area of C2 is double than the C1. Okay, so आपको बचाना है in graph which line shows the correspond to different capacitors. Which line correspond to different capacitors? Correspond to C1 and C2. Okay, so मुझे बताना है कि इसमें कौन सा आपका ग्राफ में शो कर रहा होगा C1 and C2. Okay, so ध्यान से देखिए. Plate separation मतलब? ये plate separation हम लोगों ने यहाँ पर रखा था ना, this one is the plate separation. D. Okay. यहाँ पे use किया ना, separated by a various small distance D. So this is called as a plate separation. दो प्लेट के बीच में आपका सेपरेशन है, लेकिन एक का एरिया डबल्ड है और दूसरे का, तो दोनों कैपेसिटर जो बना हुआ है मेरा, दोनों का आपका सेपरेशन डिस्टेंस सेम है, ठीक है? यानी कुछ इस तरह से कि लेट अस कंसीडर ये मैंने पहला कैपेसिटर बनाया हूँ, इस तरह से इसके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस डी है और इसका एरिया ए है, लेट यस C1 है. लेकिन जब मैं दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे बनाया, इसका सेपरेशन डिस्टेंस अभी भी डी रखा, लेकिन इसका एरिया मैंने 2a कर दिया, ठीक है? इसमें यहाँ पे मेरे पास दो कैपेसिटर है C1 और C2. तो आपको अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, सेपरेशन डिस्टेंस दोनों में सेम है डी, लेकिन एरिया एक का a है तो दूसरे का 2a है, तो आपको बताने की जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ इसमें कौन a को, कौन C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस वन इज योर Q, दिस वन इज योर B. Okay, so let this one is 1, A, this one is B. First option, A is your C1 and B is your C2. Second option, A is C2 but B is C1. Third option, A is equal to B. That is C is equal to C2. Fourth option मेरे पास नहीं है, and B है. Sir, second option. Not possible to find. ये पर ध्यान से देखिए, उसके बाद बनाइए. Sir, second. Okay, second. क्यों? You have to give the reason. हाँ जी सर. क्यों सर? एरिया डबल है तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना उससे. सो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे और यहाँ पे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देख चुके हैं कि C जो होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D होता है. सो अगर मैंने C1 निकाला तो इसको मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, लेकिन अगर मैं C2 बोलूंगा ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. C2 अगर मैं निकालूंगा तो एप्सिलॉन नॉट 2a डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका एरिया डबल टाइम्स है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये 2 टाइम्स ऑफ C1 रहा होगा, तो कहीं ना कहीं C2 मेरा बड़ा है, ठीक है? तो a जो इंडिकेट कर रहा होगा वो C2 को इंडिकेट कर रहा होगा और b जो इंडिकेट कर रहा है C1, तो C2 इज ग्रेटर देन C1. तो इस तरह से कुछ भी घुमा के वो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. आपको केवल इतना का ध्यान रखना है कि इक्वेशंस मेरा क्या काम क्या होता है, ठीक है? बाकी वो किसी भी तरह से आपका इधर उधर उधर इधर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? समझ में? कभी कभी पूछ देता है कि सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये तो इक्वेशंस के ऊपर है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको आराम से कर सकते हो. सेपरेशन डिस्टेंस अगर बढ़ाया तो कैपेसिटेंस मेरा डिक्रीज हो जाएगा, राइट? कोई डाउट्स या आगे बढ़ जाए? सो ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, ग्राफ को किसी भी तरह घुमा सकते हैं. देखिए इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, राइट ना? फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशंस नहीं है,
वो किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। लिमिटेशन किस तरह है, कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन है। इसमें कुछ डिफिनेट ही कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना होता है और उसी के ऊपर वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर आपका इन्फाइनाइट क्वेश्चन है तो मैं इन्फाइनाइट क्वेश्चन तो आपको नहीं बताने वाला, ओके। तो आपको अपना दिमाग वहाँ पे खोलना पड़ेगा, ठीक ना। आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, राइट। जैसे असाइनमेंट देता हूँ तो उसमें भी कुछ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से करके ना आप अपने आप को परफेक्ट कीजिएगा, राइट। तो फिजिक्स में इन्फाइनाइट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना डाले, लेकिन दोनों में कुछ खास अंतर था नहीं। हो सकता है वो इससे कोई तीसरा क्वेश्चन बनाना है, हो सकता है यहाँ पे कैपेसिटर दे दिया और चार्ज आपको पूछ दे कौन ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, तो किसी भी तरह कर सकते हैं। लेकिन ये आपके इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लें, ठीक है। सो आज हम लोग एक ओके क्वेश्चन और कुछ और देखेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। कैपेसिटर्स, तो आज मैं केवल एक ही लेके जा पाऊंगा सीरीज, पैरेलल अगले क्लास में देखेंगे। कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, मोस्टली आप रजिस्टर में पढ़े होंगे 10th क्लास में, याद है क्या सीरीज और पैरेलल? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कनेक्शन? करंट सेम रहता है सीरीज में, किसमें? सीरीज में आपका करंट क्या रहता है? सेम रहता है। पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो वो रजिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कैपेसिटर में मेरा कोई करंट तो आता नहीं, लेकिन कैपेसिटर में करंट से रिलेटेड एक चीज जरूर आता है, और वो कौन है? कैपेसिटर में करंट से रिलेटेड एक चीज मेरा जरूर आता है, और वो कौन है? वो है आपका चार्ज, बिकॉज करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट ना। सो जो करंट आपकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वही चार्ज आपकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, राइट। तो वैसे हम लोग देखते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। तो सीरीज कनेक्शन में पहले एक का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन होता है, राइट। ये हम लोग पहले ही जानते हैं। एक प्लेट का फर्स्ट प्लेट, एक कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जो होगा दूसरे कैपेसिटर के सीरीज के साथ कनेक्टेड होगा, वो दिखाऊंगा। और पैरेलल में क्या होता है, दोनों पैरेलल ही कनेक्टेड होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे। तो इसको नोट में मैं डाल देता हूँ, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कनेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। पैरल को मोस्टली दो लाइन से इस तरह से इंडिकेट करते हैं। सो आगे जाके मैं इसी तरह से पैरल कनेक्शन को इंडिकेट करूंगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बाद देखेंगे पैरल कनेक्शन का क्या प्रॉपर्टीज होता है। सो ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सीरीज कनेक्शन, तो बिकॉज यहाँ पे करंट का बात तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ करंट सेम होती है। तो सीरीज कनेक्शन में आपका क्या होगा, लेट अस कंसीडर ये मेरा फर्स्ट प्लेट है, पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग। तो सीरीज कनेक्शन में आपकी क्या होती है, तो इसमें चार्जेस आपका सेम रहता है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, इज इक्वल, ओके, और सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस is different, depends on their capacitance. Okay, तो ये series का property है, इसमें charges आपके क्या रहेंगे, same रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे, डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटेंस, ठीक है। सो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
each capacitor is same, but charges is different, depends on their capacitance. ओके सो इसमें जो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा कैसे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल जो आपका होता है पोटेंशियल, ओके यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल देखूँ तो वो जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, और चार्ज देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसका कहने का मतलब काफ़ी छोटा सा है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ज्यादा रहा होगा तो पोटेंशियल कम रहा होगा, राइट ना. लेकिन यहाँ पे चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, क्योंकि चार्ज मेरा डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा तो चार्ज भी ज्यादा, कैपेसिटेंस कम तो चार्ज भी कम. इसका एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे, ठीक है. ओके याद रखिएगा पैरेलल सीरीज कनेक्शन में किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस. जैसे कि फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, कैपेसिटेंस ज्यादा पोटेंशियल कम, ओके और कैपेसिटेंस ज्यादा चार्जेज इसमें ज्यादा होगा. ओके तो जैसे देखिए कि मैं सीरीज कनेक्शन का अगर आपको दिखाऊं, अगर फिर से मैं वही स्लाइड आपको शेयर करूँ, राइट, तो दिस इज द केस, इसी पे आ रहा हूँ. तो इसमें यह था कि अगर आपका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपकी कम होगी, राइट. जैसे सीरीज कनेक्शन अगर मैं आऊँ और आपको यहाँ पे मैं एक और कैपेसिटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पैसिव एलिमेंट लिखा हुआ, राइट. मैंने बताया था कैपेसिटर इज नथिंग बट योर पैसिव एलिमेंट, इवन इज योर इंडक्टर इज ऑल्सो अ पैसिव एलिमेंट, आगे वो हम लोग देखेंगे. तो मैं एक और कैपेसिटर यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, लेट अस कंसीडर मैंने एक कैपेसिटर इंक्लूड कर दिया. सर आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा. किसी को सुनाई नहीं दे रहा या आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो बीच बीच में लो हो जा रहा है आपका वॉइस, मतलब साउंड जो है वो लो हो जा रहा है. वो इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है ना, जब भी मैं कोई दूसरा नेट शुरू करूंगा ना तो वो कट कट जाएगी. सो थोड़ा थोड़ा देर के लिए तो आपको थोड़ा सा दिमाग को घुमाना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला. लगातार आपका आवाज कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा. हाँ जब भी मैं कोई नया स्लाइड खोलता हूँ ना या इंटरनेट का यूज करूंगा तो आपकी थोड़ी सी आवाज कट जाएगी. तो यहाँ पर बिकॉज मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए, तो मेरी आवाज कट सकती है लेकिन ज्यादा नहीं कटेगी, ठीक है. सो आपको करना क्या है, ओके सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नीचे आपका देखिए बहुत सारे टर्म यूज किया गया है. I इज इक्वल टू जीरो, VD इज इक्वल टू 5 वोल्ट, C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड. तो अगर मैं C के पास जाऊंगा तो 5 माइक्रोफैराड. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, राइट ना. तो जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करवाता हूँ. ओके आप देखिएगा इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कम है और इसका कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा है, यानी 5 माइक्रोफैराड के अक्रॉस आपका कम वोल्टेज रहेगा और इसके अक्रॉस आपका ज्यादा वोल्टेज रहेगा, क्योंकि वोल्टेज कैपेसिटेंस ज्यादा वोल्टेज कम, कैपेसिटेंस कम वोल्टेज ज्यादा. तो इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको मैं रन करवाता हूँ. सो लेट अस कंसीडर मैंने इसको पहले इसका मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ इसको, तो क्योंकि मैंने इसको चार्ज कर दिया था तो स्वैप टर्मिनल करूंगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा आपका. सो लेट अस कंसीडर अब मैं इसको रन करवाता हूँ. तो ये मैंने रन करवाया, अब यहाँ पे देखिएगा, ओके इसके अक्रॉस अगर आप आए तो इसके अक्रॉस आपका कितना वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस अगर आप देखें तो 5 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये फुली चार्ज हो गया है 0 वोल्ट, राइट ना, इस तरह से. तो 0 वोल्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, काफी कम वोल्टेज यहाँ पे रही होगी, राइट. लेकिन इसके अक्रॉस अगर मैं गया तो आपका करीबन 19.3 वोल्ट दिखा रहा होगा, राइट, इस तरह से. उसको हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं, राइट ना. सो लेट अस कंसीडर, इसको मैं एक बार और रन करवाता हूँ. ओके रन नहीं किया है, ओके सो लुक हियर, यहाँ पे है कितना 9.8 वोल्ट और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना है 4.8 वोल्ट, राइट ना. ये ज्यादा कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड का, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मेरा कितना है 4.8 वोल्ट. लेकिन अगर आप 10 माइक्रोफैराड के अक्रॉस देखेंगे तो आपका वोल्टेज कितना आ चुका है 9.8 वोल्ट. ये तभी होता है, करंट का वैल्यू अगर आप देखें तो 0 दिखा रहा है, क्यों? एक बार जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट के फ्लो को ये रोक देता है,
ये करंट के फ्लो को रोक देता है, इसको भी याद रखेंगे, उसको भी बताऊंगा कैसे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 माइक्रोफेराड के अक्रॉस आपका 9.8 वोल्ट, और अगर आप 5 माइक्रोफेराड के अक्रॉस जाएंगे तो ये 4.8 वोल्ट, यानी हाई कैपेसिटेंस लो वोल्टेज, लो कैपेसिटेंस हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना, याद रखिएगा इसको। सो ये कैसे है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेल वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है ना, ओके। और एक चीज और याद रखिए, करंट आपका जीरो हो जाता है। तो ये दो पॉइंट को लेके, उसका पैरेलल का बताऊंगा, लेकिन आज कल हम लोग सीरीज का ले जाएंगे, ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचूंगा। सो देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, याद रखिएगा, ठीक है, हाई कैपेसिटेंस लो पोटेंशियल, लो कैपेसिटेंस हाई पोटेंशियल। सो देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो लेस देन 1 मिनट है, हम फिर से लॉगिन करेंगे ना? हाँ हाँ ठीक है, सीरीज कनेक्शन ही केवल ले जाऊंगा।